हेलो विद्यार्थी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पेपर है वो आपका पेपर रहेगा 20 दिसंबर को। स्टूडेंट्स रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर 2023, ये रुक जाना नहीं का पार्ट 2 है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। तो स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा रुक जाना नहीं पेपर आपके स्टार्ट होंगे, उसमें हिंदी का जो पेपर आपका होने वाला है वो होने वाला है 20 दिसंबर को। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो 80 नंबर का पेपर है वो कहाँ से आ रहा है, पेपर में क्या आ रहा है, पूरी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो कक्षा 12वीं के रुक जाना नहीं हिंदी का पेपर देने वाले जो बच्चे हैं सभी लाइव क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दे, और वे सभी इस वीडियो में आ जाना चाहिए इस लाइव क्लास में। चलिए जल्दी से शेयर कर देंगे, और जो जो विद्यार्थी आ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिल सके। चलिए तो विद्यार्थियों हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, गगरी फूटी प्यासा कौन, घोड़ा बैल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैल, बैल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास ने मुख्य रूप से भाषा का प्रयोग किया है, अवधि भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इस खाली स्थान में आपका अवधि आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हनुमान होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8। अगला प्रश्न है, लीपा हुआ चौका अभी पड़ा था गीला। राइट आंसर आपका गीला हो जाएगा। खेत की तुलना से की गई है, तो कागज का पन्ना, कागज के पन्ने से किसकी तुलना की गई है, खेत की। अगला प्रश्न है, परिमित शब्द का अर्थ है, तो परिमित शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सीमित, सीमित आपका राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है आपका दूसरा वाला, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव आपके कितने आ रहे हैं, 32 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 तारीख के और आने वाले जो भी आपके पेपर हैं, वार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी पेपरों में से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करें, जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। तो राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द हैं वो है संपर्क भाषा। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं, तो कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं छंद कहते हैं। अगला है, दुर्मिल छंद में वर्णों की संख्या होती है, तो दुर्मिल छंद में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 24। अगला है, चंद के भरम होत मोह में कुमुदिनी को उदाहरण में अलंकार है, तो इस उदाहरण में जो अलंकार होगा वो होगा भ्रांति मान। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य होगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव, विभाव आपका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ, प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1943 में।
चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर लिख सकते हैं इनका पूरा नाम, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका क्या है, पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, पंचायत में फैसला किसके विपक्ष में हुआ? तो भक्तिन के विपक्ष में हुआ। डॉक्टर आंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो वो जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मयूर वन में नाचो वाक्य का प्रकार लिखिए। तो मयूर वन में नाचो, ये जो वाक्य है ये है आपका आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य आपका होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, तो अगला प्रश्न आपका है अक्षय का अर्थ है। अक्षय का अर्थ है जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो उसे हम कहते हैं अक्षय। अगला क्वेश्चन है शीर्ष के फूल पाठ के लेखक हैं। तो शीर्ष के जो फूल पाठ है उसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन सत्यापत्य के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज ही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स पहला प्रश्न सत्य असत्य के रूप में ये भी आपका 6 नंबर में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सत्य लिखोगे। इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। निरअपराधी को दंड देना अनुचित है, सत्य। तौलिया तकनीकी शब्द है, इसमें क्या लिखोगे, असत्य। ये राइट और रॉन्ग के निशान आपको अपनी कॉपी में लगाकर नहीं आना है, क्योंकि ये गलत तरीका होता है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने ऐसे निशान लगा दिए हैं। पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आप लगाओगे सत्य। शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ दुश्मनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जोड़ी वाला है, क्यों, क्योंकि जोड़ी जो अधिकतर होती है हमारी सही हो जाती है, लेकिन जो बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं नहीं सुनते हैं उनका यहाँ से जोड़ी में से भी नंबर कट जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास है, तो तुलसीदास को हम किससे मिलाएंगे, राम भक्ति कवि। फ्राक गोरखपुरी को किससे मिलाएंगे, रुबैया। शांत रस को किससे मिलाएंगे, निर्वेद से। रौद्र रस को किससे मिलाएंगे, क्रोध से। छोटा मेरा खेत को किससे मिलाएंगे, उमाशंकर जोशी। काव्य की आत्मा रस, धर्मवीर भारती। काले में का पानी दे। इस प्रकार आपकी क्या हो जाती है, जोड़ी भी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर के 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न में आपको बता देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है, शीर्ष के फूल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं, भक्तिन जेल से किस प्रकार डरती थी, ये दूसरा प्रश्न है अथवा वाला। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को संदर्भ प्रसंग और ये पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, तो टाइम ज़्यादा व्यतीत हमारा होगा यहाँ पर। तो अपन चाहते हैं यहाँ अधिक से अधिक नंबर कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर अपन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आप देखिए, इन क्वेश्चनों को पढ़िए, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा डाल रखे गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 नंबर का जो प्रश्न आया है आपके पेपर में, तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, साहित्य में स्थान, या फिर आप उमाशंकर जोशी अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए, तो उनमें रचनाएं
भाषा शैली साहित्य में स्थान। अब सभी बच्चों को माधवी वर्मा उमन शंकर जोशी की रचना याद होगी, उनकी भाषा शैली आपको लिखवाई होगी, ये आपको लिखना है। जिसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित क्या करना है, व्याख्या आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रात नभता बहुत गीला शंख जैसे बोर का नभ। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ये उषा पाठ से लिया गया है जिसको लिखने वाले शमशेर बहादुर सिंह है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। और ये हम देखें तो ये कविता वाली जो हमारा है ना पाठ, जैसे कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं, पूरा देखने को आपको मिल रहा होगा, आप पाठ उठाइएगा खोल कर देखिएगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया, ये आपका पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है। इसको लिखने वाले कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, इस पाठ को है ना। तो अच्छे से आप क्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग करने किस प्रकार से हम सही तरीके से कर सकते हैं इसका वीडियो हमने बना रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। और नीचे आप देखेंगे तो ये सीरीज के फुल से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ को लिखा है। यहाँ पर महाकाव्य खंडकाव्य मंतर है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित है। यहाँ पर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक पत्र, आवेदन पत्र लिखना है। और ये नीचे आप पत्र लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये निबंध है रूपरेखा सहित। ठीक है, अब इनमें से जो भी आप निबंध लिखना है आपको एक विषय पर लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपका हो चुका है। जिस भी विद्यार्थी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब आप सभी दोस्तों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं आया हो तो अनलाइक करिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन करिएगा ज़रूर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे भी आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस, नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको समय पर मिल सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर करिएगा ताकि सभी वीडियोस आपको मिल जाए। धन्यवाद। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।